असलम स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू रीड इंग्लिश ए ऑफ नाइन क्लास चैप्टर फो चैप्टर फाइव एंड आवर टॉपिक नेम इज़ फिगर्स ऑफ स्पीच तो बेटा ये बुक पर भी आपके दिया हुआ है एक्सरसाइज़ में लेकिन हम वहाँ से नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं तो आपको समझ नहीं आएगी यहाँ पर मैंने ईजी वर्डिंग यूज़ की है तो वैसे आप वहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन अगर यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं मेन चीज़ ये है कि आपको बस कंसेप्ट अच्छे तरीके से पता हो बाकी सारा कुछ ही खुद हो जाता है तो इसकी डिफाइन क्या है फिगर्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं वर्ड्स और फ्रेजेस ऐसे वर्ड्स और ऐसी फ्रेजेस डेट मेक आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल जो कि हमारी लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बना दें इफ़ेक्टिव बना दें एंड इम्प्रेसिव बना दें नॉन एज फिगर ऑफ़ स्पीच उनको क्या कहा जाता है फिगर ऑफ़ स्पीच कहा जाता है अब बेटा उर्दू में इसका कंसेप्ट हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स और ऐसी फ्रेजेस जो कि हमारी लैंग्वेज को जो हम सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में उसको ज़्यादा ख़ूबसूरत बना दें ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना दें वो क्या कहलाएंगे फिगर्स ऑफ स्पीच कहलाएंगे इसकी एक एग्ज़ाम्पल यूँ भी ली जा सकती है कि जब हम शादी पर जाते हैं तो सबसे पहले हम कपड़े अपने तैयार करते हैं शूज़ न्यू लेते हैं और ज्वेलरी मेकअप करते हैं ताकि हम वहाँ पर सबसे ख़ूबसूरत नज़र आएँ तो इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से बयान करने के लिए ज़्यादा ख़ूबसूरत तरीके से बयान करने के लिए जो वर्ड्स और फ्रेजेस हम यूज़ करेंगे वो क्या होंगे फिगर्स ऑफ़ स्पीच होंगे और फिगर्स ऑफ़ स्पीच जो हैं ये हमारे सेंटेंस को हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं और इनका इस्तेमाल ज़्यादातर जो है पोइट करते हैं अपनी शायरी में बात को ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच में बात को इस तरीके से बयान किया जाता है इसकी भी मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि मैं किसी भी फंक्शन में गई हूँ तो वहाँ पर मुझे मेरी एक फ्रेंड मिली है जो मुझे बहुत प्यारी लगी है और उसकी मैं घर आके तारीफ़ करूँगी कि अम्मी आज मुझे मेरी फ्रेंड मिली वो बहुत प्यारी लग रही थी अब जब बेटा मैं सिंपल अंदाज से उसकी तारीफ करूंगी कि वो बहुत प्यारी लग रही थी तो ये क्या हो ये क्या होगी आम लैंग्वेज होगी ठीक है इसमें कोई भी खास वो बात नहीं है लेकिन जब मैं अपनी बात को इस तरीके से बयान करूंगी कि अम्मी वो इतनी कोई प्यारी लग रही थी कि उसके बाल सोने की तरह चमक रहे थे और इसका जो चेहरा जो था कलर जो था वो दूध की तरह वाइट था तो जब मैं इस तरह के वर्ड्स यूज़ करूँगी उसको उसकी खूबसूरती को बयान करने के लिए तो वो किस में आ जाएंगी फिगर्स ऑफ़ स्पीच होंगे ठीक है तो मैं तब फिगर्स ऑफ़ स्पीच यूज़ करूँगी तो आई होप आपको समझ आ गई होगी फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं यानी कि अपनी बात को खूबसूरत बनाने के लिए ऐसी व, ऐसी फ्रेजेस और ऐसे वर्ड्स यूज़ करना जो कि हमारे सेंटेंस को ज़्यादा खूबसूरत बनाए हमारी बात को ज़्यादा खूबसूरत बनाए वो क्या होते हैं फिगर्स ऑफ़ स्पीच होते हैं तो फिगर्स ऑफ़ स्पीच जो हैं वो बेटा बहुत सारे हैं लेकिन हमने जो आज पढ़ने हैं वो फ़ोर हैं और ये फ़ोर हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं नाइन्थ के और हम इनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ये कौन कौन से हमने आज पढ़ने हैं सिमिले है मेटाफर है पर है और इमेजरी है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिमिले क्या होती है तो सिमिली क्या है इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स ये इसमें दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है और वो जो दो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं हम यूँ भी कह सकते हैं कि इसमें दो डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है लाइक और एज वर्ड यूज़ करते हुए ठीक है लाइक और एज़ का वर्ड यूज़ करते हुए इसमें दो मुख्तलिफ चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है यानी कि एक चीज़ को दूसरी की तरह बना दिया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल यंग तैमूर एज क्यूट एज़ किटन यंग तैमूर जो है वो इतना क्यूट है जितना कि बिल्ली का बच्चा अब मैंने जो यंग तैमूर है यहाँ पर उसको बिल्ली के बच्चे की तरह बना दिया है हालांकि वो बिल्ली का बच्चा तो नहीं है ना लेकिन अपनी बात को खूबसूरत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यंग तैमूर को बिल्ली के बच्चे की तरह क्यूट बना दिया है तो अब यहाँ पर यंग तैमूर जो है उसका कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है किटन के साथ ठीक है अब बिल्ली के बच्चे की तरह तो नहीं हो सकता ना लेकिन उसका कंपैरिजन किया जा रहा है अपनी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से बयान करने के लिए नेक्स्ट uh, एग्जांपल है इसकी आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लाइन हमारे जो सोल्जर्स हैं इतने बहादुर हैं जितना कि शेर अब कोई भी शेर की तरह तो नहीं हो सकता ना लेकिन यहाँ पर जो सोल्जर्स हैं हमारे उनका लाइन के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको लाइन की तरह बनाया जा रहा है बहादुर दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स वो बिल्लियों और कुत्तों की तरह लड़े अब बिल्लियों और कुत्तों की तरह तो कोई भी नहीं लड़ता ना लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो लड़ना है उसको किसके साथ मिला दिया है बिल्ली और कुत्तों की तरह द क्लासरूम इज लाइक अ जू क्लासरूम जो है वो चिड़ियाघर की तरह है अब कोई भी क्लासरूम चिड़ियाघर तो नहीं होता ना चिड़ियाघर में तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं बर्ड्स वगैरह होते हैं लेकिन क्लासरूम में तो चेयर्स और बच्चे ही होते हैं लेकिन जब वो इस तरह से अफरा तफरी बनी हो कोई कुछ कर रहा कोई कुछ कर रहा तो वो हम कहते हैं कि चिड़ियाघर लग रहा है आज तो तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है द क्लासरूम इज़ लाइक अ जू क्लासरूम जो है वो चिड़ियाघर की तरह है अब क्लासरूम रूम और चिड़ियाघर का कंपेरिज़न किया जा रहा है क्लासरूम एक अलग चीज़ है चिड़ियाघर एक अलग चीज़ है तो बेटा आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इसमें क्या होता है कि दो चीज़ मुख्तलिफ़ चीज़ों का आपस में कंपैरिजन किया जाता है लाइक और एज का वर्ड यूज़ करते हुए अब मेटाफर क्या है इट इज़ अ डायरेक्ट कम्पेरिज़न विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज़ इसमें डायरेक्ट ही कंपैरिजन होता है लाइक और एज का वर्ड बिना यूज़ किए ठीक है यानी कि इसमें हम लाइक like और एज का वर्ड जो है ये यूज़ नहीं करते इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ का फॉर एग्जांपल अब आप कहेंगे कि ये ये जो है ये भी सिमिली की तरह लग रहा है हाँ बेटा वाकई ये सिमिलर सिमिली की तरह है लेकिन इसमें है डायरेक्ट कंपेरिजन ठीक है तो डायरेक्ट कंपैरिजन का मतलब क्या है हम इसमें इसको उर्दू में यूँ समझते हैं कि जो सिमिली है उसमें एक चीज़ को दूसरे की तरह दिखाया जाता है दूसरी चीज़ की तरह लेकिन ये जो मेटाफर है इसमें एक चीज़ को दूसरा ही बना दिया जाता है ठीक है आप कैसे इसका कंसेप्ट माइंड में रखेंगे कि सिमिली में एक चीज़ को दूसरी की तरह दिखाया जाता है और इसमें मेटाफर में एक चीज़ को दूसरी चीज़ ही बना दिया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल young तैमूर इज़ किटन जो यंग तैमूर है वो क्या है बिल्ली का बच्चा है अब देखें पहले हमने पढ़ा कि यंग तैमूर जो है वो बिल्ली के बच्चे की तरह है लेकिन यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि वो बिल्ली का बच्चा ही है ठीक है अब उन्होंने क्या किया यंग तैम को किसके साथ मिला दिया है बिल्ली के बच्चे के साथ यानि कि यंग तैमूर का कंपेरिज़न हो रहा है किसके साथ बिल्ली के बच्चे के साथ लेकिन वो डायरेक्ट हो रहा है यानी कि उस उन्होंने वही बना दिया है इसको आवर सोल्जर्स आर लाइन हमारे जो सिपाही हैं वो क्या हैं शेर हैं पहले आप सिमिली में उन्होंने कहा था कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो लाइन्स की तरह हैं शेरों की तरह हैं शेर की तरह हैं लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया है हमारे सिपाहियों को शेर ही बना दिया है अब शेर एक डिफरेंट चीज़ है सोल्जर्स एक डिफरेंट चीज़ हैं ये इंसान हैं वो लाइन है आ, एनिमल है लेकिन यहाँ पर क्या किया है उन्होंने दो डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन किया है और कंपैरिजन करते हुए उन्होंने एक चीज़ को दूसरी ही बना दिया है द क्लासरूम इज़ अ जू क्लास जो है वो चिड़ियाघर है ठीक है अब पहले उन्होंने कहा था सिमिली में कि क्लासरूम जो है वो चिड़ियाघर की तरह है लेकिन यहाँ पर क्लासरूम को क्या बना दिया है चिड़ियाघर ही बना दिया है तो ये था हमारा मेटाफर और सिमिली सिमिली में क्या होता है कि एक चीज़ को दूसरी की तरह बनाया जाता है कंपैरिजन करते हुए लेकिन मेटाफर में एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन करते हुए उसको वही बना दिया जाता है तो नेक्स्ट है हमारा परसोनिफिकेशन परसोनिफिकेशन क्या है परसोनिफिकेशन गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज़ ये ह्यूमन uh, क्वालिटीज़ देती है जैसा कि इमोशंस डिज़ायर्स एट्सट्रा टू द नॉन लिविंग थिंग्स बेजान चीज़ों को अब बेटा इसका उर्दू में जो कंसेप्ट आप इस तरीके से करेंगे कि जब बेजान जब किसी बेजान चीज़ के बारे में या किसी ख्याल के बारे में इस तरीके से बात की जाए कि पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि जैसे वो जानदार चीज़ है ठीक है तो वो क्या होगी परसोनीफिकेशन होगी परसोनीफिकेशन क्या होता है कि जब किसी बेजान चीज़ के बारे में या किसी भी ख्याल के बारे में इस तरीके से बात की जाए उसको इस तरह से बयान किया जाए कि पढ़ने वाले को लगे कि जैसे उसमें जान है जानदार वो चीज़ है तो वो क्या होगी परसोनिफिकेशन होगी फॉर एग्ज़ाम्पल दन फ्लावर्स नोडिड इन विंड अब बेटा जो सनफ्लावर्स फूल हैं अब ये जानदार तो नहीं है ना बेजान है ना उन्होंने सर हिलाया इन द विंड हवा में अब हमें ऐसे लग रहा है जैसे कोई ये जानदार चीज़ है और वो अपना सर हिला रहे हैं हवा में जैसे हम हिलाते हैं अपना सर तो द रेन वाज एंग्री बारिश जो थी वो नाराज़ थी अब भला बारिश कैसे नाराज़ हो सकती है बारिश तो खुद बेजान चीज़ है लेकिन यहाँ पर बारिश को इस तरीके से बयान किया जा रहा है जैसे बारिश कोई जानदार चीज़ है और वो नाराज़ हो गई है ठीक है जब इस तरह के सेंटेंस आएँ तो आप समझ जाना कि ये पर्सोनिफिकेशन के हैं कैंडल फ्लेम डांस इन द डार्क अब जो कैंडल का फ्लेम था उसने डांस किया अंधेरे में अब भला कैंडल का जो फ्लेम है वो कैसे डांस कर सकता है लेकिन यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे कोई वो जानदार चीज़ है और वो डांस कर रही है अंधेरे में द सन स्माइल्ड एटस सूरज जो था वो हमारी तरफ देख के मुस्कराया अब भला सूरज हमारी तरफ देख के मुस्कराता है नहीं ना लेकिन उन्होंने परसोनीफिकेशन को यूज़ करते हुए सेंटेंस को ऐसे बना दिया है जैसे कि बेजान चीज़ों को वो इस तरह दिखाया है कि जैसे कि उनमें जान है सन स्माइल्ड एट अस नेक्स्ट है हमारा इमेजरी अब इमेजरी क्या है ये एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज होती है यूज इन लिटरेचर लिटरेचर में इस्तेमाल होती है टू क्रिएट वर्ड पिक्चर्स वर्ड्स की पिक्चर्स क्रिएट करने के लिए फॉर द रीडर रीडर के माइंड में द पिक्चर्स आर क्रिएटेड बाय डिटेल्स ऑफ पिक्चर्स जो हैं uh, वो हमारे माइंड में बनती हैं किन की डिटेल के साथ साइट स्मेल साउंड टच टेस्ट और मूवमेंट यानी कि इमेजरी जो है uh, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे माइंड में ऐटोमेटिकली पिक्चर्स बन जाती हैं यानी कि कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है या किसी भी हम इनफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं तो जैसे जैसे वो पढ़ते जाएंगे तो वो उन उनकी पिक्चर्स जो हैं वो हमारे माइंड में आती जाएंगी हमारे माइंड में बनती जाएँगी इसकी एग्जांपल बेटा हम नावल्स से भी ले सकते हैं अब नावल्स हम पढ़ते हैं तो जैसे हालांकि हमने वो चीज़ें देखी तो नहीं होती ना जो नॉवेल्स में बयान की जा रही होती हैं लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वो पूरा एक सीन हमारे माइंड में क्रिएट होता जाता है वो पूरी इमेजेस जो हैं वो हमारे माइंड में क्रिएट होते जाती हैं कि ऐसे ऐसे हुआ होगा ऐसे हुआ होगा तो ये क्या है इमेजरी है और इमेजरी में फ़ाइव सेंसेस यूज़ होते हैं आपको पता ही होगा कि फाइव सेंसेस कौन से हैं साइट है स्मेल है साउंड है टच है टेस्ट है ठीक है अब बेटा जब भी कोई जुमला इन फाइव सेंसेस में से किसी एक के बारे में बात करे या किस किसी भी स्टोरी में ये फाइव सेंसेज यूज़ हों तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा इमेजरी होगा अब उर्दू में आप इसका कंसेप्ट इस तरह से करेंगे कि कोई भी लैंग्वेज ठीक है जो कि हमारे माइंड में पिक्चर्स बनाती जाए वो क्या होगी इमेजरी होगी और इमेजरी में ये फाइव सेंसेस यूज़ होते हैं फॉर एग्जांपल इट वाज डार्क इन द जंगल जंगल में क्या था अंधेरा था अब बेटा जैसे ही मैंने आपको अच्छा बेटा मैं मैंने आपको बताया कि जंगल में अंधेरा था या आप ये कह लें कि मैं आपको क्लास में आके बता रही हूँ कि हम लोग जंगल में गए जंगल में अंधेरा था जैसे ही मैंने नाम लिया कि जंगल में अंधेरा था आपके माइंड में फ़ौरन से एक अंधेरे की पिक बनी है और आपके माइंड में यानी कि अंधेरे वाला जंगल जो है वो आ गया है कि अंधेरे वाला जंगल कैसा होगा तो यहाँ पर कौन सी इमेजरी यूज हुई है साइड की ठीक है द चिल्ड्रन वर शाउटिंग एंड लाफिंग इन द फील्ड्स बच्चे जो थे वो चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे इन द फील्ड्स खेतों में अब बेटा जैसे ही मैंने आपको बताया है कि बच्चे चिला रहे थे और हंस रहे थे खेतों में आपके माइंड में फ़ौरन से वो बच्चे भी आ गए हैं और वो किस तरह चिल्ला रहे थे हंस रहे थे उनकी पिक भी आ गई है ऐसा ही हुआ है ना तो अब बेटा ये कौन सी इमेजरी है इमेजरी ऑफ साउंड है तो नेक्स्ट है द ग्रास वाज वेट ग्रास गीली थी अब बेटा ये इन्फॉर्मेशन या ये डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ था तो जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊँगी वही वही पिक्स आपके माइंड में क्रिएट होती जाएंगी तो ये क्या है इमेजरी है अब द ग्रास वाज वेट मैं अगर आपसे कहती हूँ कि ग्रास गिली थी तो आपके माइंड में फौरन आ गया होगा कि जैसे हम ग्रास पर पाँव रखें तो ग्रास गिली हो आया है ना माइंड में तो ये क्या है टच ठीक है इमेजरी ऑफ टच है नेक्स्ट है द बिरयानी वाज स्पाइसी बिरयानी जो थी वो बहुत स्पाइसी थी अब मैं क्लास में आके आपको कहती हूँ कि कल हम अपने चाचू घर गए वहाँ पे हमने बिरयानी खाई बिरयानी बहुत स्पाइसी थी तो आपके माइंड में फ़ौर से वो स्पाइसी बिरयानी आ गई होगी मिर्च मसाले वाली और खट्टी तो बेटा ये जो आपके माइंड में ये पिक्चर बनी है स्पाइसी की ये कौन सी है इमेजरी ऑफ टेस्ट है फ़ौर से वो जायका आपकी ज़ुबान को टच करेगा आपकी ज़ुबान में आ जाएगा द स्मेल ऑफ रोज़ इज़ गुड जो रोज़ है गुलाब का फूल उसकी स्मेल जो है वो बहुत अच्छी है तो अब बेटा मैंने जैसे ही ये बात की है कि रोज़ की स्मेल बहुत अच्छी है तो आपके माइंड में वो रोज़ की स्मेल आ गई है पूरी वो तस्वीर के साथ तो ये क्या है आ, आ, इमेजरी जो है स्मेल वाली हमने यहाँ पर यूज़ की है तो बेटा आई होप आपको ये फिगर्स ऑफ़ स्पीच समझ आ गए होंगे और आपने इसका कन्सेप्ट और इसकी एग्जांपल्स को अच्छे से करना है और ख़ुद से भी फाइव फ़ाइव एग्जांपल हर फिगर ऑफ़ स्पीच की बनाने की कोशिश करनी है अल्लाह हाफिज़